ख्याल के लिए हमारे आसिमपुर की अदबी समासी सियासी समाजी शख्सियत और सीनियर कॉलमिस्ट हैं, अपनी पहचान आप हैं, इनके बड़े हवाले हैं। सबसे बड़ा हवाला इनकी गुफ्तगू है, वो खुद ही अपना हवाला अपनी गुफ्तगू से पेश करेंगे। मुफ्ती मकाम इज्जत बाप खान खुदा यार खान चंदर साहब से इत्तेफाक गुजार हूं कि वाले और इजहार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब साहब अफजल के एमपीएस हैं, सैयद अली बैन बुखारी साहब, हाजी अफजल तराला साहब, अयाल खान सनी साहब, बाद प्रेजिडेंट अजमाना साहब और मुअज्जज इमरान मीडिया के और हासनपुर तहसील की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब भाई बीसी साहब का बेहद मशकूर हूँ, आप तशरीफ लाए, हमें वक्त दिया और प्रेसिडेंट मरकजी सदर मीडिया क्लब हासनपुर के यूसुफ थईम साहब और उसकी तमाम टीम और मुअज्जज इमरान को आज के सलफ गुजारी तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत तकरीब सजाई जिसने हमें याद रखा, हमें इज्जत बख्शी। मैं दुआ को हूँ खुदा आपको इज्जतों से नवाजे और सदा आपका ये क्लब आपके मेम्बरान शादो आबाद रहे। टाइम पहले भी काफ़ी हो गया है, शायद दो तीन प्रोग्राम करके आ रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेटना चाहता हूँ। आज मैं आपको मीडिया के और हासनपुर की तमाम करीम बैठी है, मैं एक ऐसे शख्स की बात करना चाहता हूँ, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब। जब से ये वाइस चांसलर का इन्होंने चार्ज संभाला है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बड़ी तेजी के साथ तरक्की पर गामजन है। ये हमारे लिए, हमारे इलाके वसे धरतीयर यूनिवर्सिटी के लिए खुदा ने हमें एक तोहफा दिया है। आज तक तो हमें नहीं पता था कि बीसी साहब भी कभी प्राइवेट प्रोग्रामों में आते हैं, लेकिन जब भी इलाके का कोई बंदा इनको मिलने के लिए, एमएलए एमपीए का होना कोई जरूरी नहीं है, किसी बड़े ओहदे का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मसाए इलाके का को लेकर इनके दफ्तर तक पहुंचे, ये बड़ा सीरियस लेते हैं और फौरन हल करते हैं। इसकी मिसाल आपके सामने है, मैं तहसील हासनपुर और खैरपुर टावे वाली के बच्चे बच्चियों के लिए जाके बस सर्विस की अपील की, इन्होंने सबसे पहले खैरपुर टावे वाली की बस सर्विस चला दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहसील खैरपुर टावे वाली की बच्चे बच्चियां उससे मुस्तफीद भी हो रही है और इनका हमारे साथ एक वादा भी था खैरपुर हासनपुर के हवाले का कि तीन बसें और आने वाली है, जो फंड की कमी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हासनपुर की ये बस सर्विस बच्चों के लिए चलाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह खुदा करे जल्द वो बस आए, हासनपुर तहसील के बच्चे बच्चियां भी यूनिवर्सिटी के बसों पर यह सफर करें। और बीसी साहब से एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि आज मीडिया क्लब में हमें मिल गए हैं कि हमारे जितने भी मीडिया क्लब के दोस्त बैठे हैं आज हासनपुर के, हमारे लिए एक शफकत फरमाए कि तमाम मीडिया दोस्तों को यूनिवर्सिटी का विजिट करवाए, सिर्फ विजिट भी नहीं, इस्लामी यूनिवर्सिटी की बस से आए, यहाँ के साथियों को ले आए और वापस भी छोड़ेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। अब सबसे खुशी की बात यह है आखिर में कि मुझे खुशी हो रही है कि आज हासनपुर के अंदर गिरदनवा, जमालपुर, कायमपुर और भी सिटी या हासनपुर के तमाम मीडिया ग्रुप के लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, ये बड़ी खुशहैंदा बात है। ये हासनपुर के लिए ये सबको मैं मुबारकबाद मीडिया ग्रुप को देता हूँ। ये आपने हमेशा अपने आप को मनाया है कि जब भी किसी साफी भाई का कोई मसला होता है, एक दूसरे के प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं और साफी भाई के हकूक के लिए सब खड़े हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये रवायात को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी काम हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हो रही है, हुई है कि हो रही है, मैं उसकी एक लंबी तफसील है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को कि बराए मेहरबानी आज तहसील हासनपुर की मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी
करीम बैठी है, मेहरबानी फरमा कर हमें जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है हमारे बच्चे बच्चियों के लिए, आप जरूर उसके ऊपर रोशनी डालेंगे ताकि हमें आगाही हासिल हो सके। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।